नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने एक बार फिर भरे मन से इशारों ही इशारों में यह कह दिया कि लड़ाई झगड़े औरतों की वजह से होते हैं और मरता आदमी है। मौका था राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लगाए गए 7 दिवसीय शिविर का, जो कि शासकीय कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय में आयोजित किया जा रहा था, जहां मंच से विधायक पन्नालाल शाक्य ने दो उदाहरण देते हुए बताया कि औरतों की वजह से ही झगड़े होते हैं, जिसमें बहुत ही बड़ी संख्या में आदमी मारे जाते हैं। विधायक ने कहा कि पहला झगड़ा रामायण के समय में माता सीता की वजह से हुआ था और दूसरा झगड़ा महाभारत युद्ध में हुआ, जो कि पांचाली की वजह से हुआ था। वहीं विधायक ने यह भी कहा कि आजकल जो नई परिपाटी शुरू हो गई कि पहले बॉयफ्रेंड बना लो फिर उसको राखी बांध दो, उसके बाद लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए भी छोड़ दिया जाता है। समस्या पर है कि विधायक पन्नालाल शाह के छात्राओं को क्या ज्ञान देना चाह रहे थे, जो कि एक तरफ बोलते हैं कि धर्म के लिए लड़ाई हुई वह भी महिलाओं की वजह से, और दूसरी तरफ कहते हैं कि लड़कियां पहले बॉयफ्रेंड बनाती हैं फिर भाई। ऊर्पनखा के लिए युद्ध नहीं हुआ, सीता के लिए युद्ध हुआ और लाखों लोग मारे गए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपन प्रकृति के एक बहुत बड़े हिस्से है, इसलिए अपने को सुंदर स्वच्छ और आकर्षक बने रहना चाहिए। ये सारे टिप्स आप अपनी माँ से लेना, अपने प्राचार्य से लेना। एक महिला लड़ाई होती है, युद्ध होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, तो साधारण महिला नहीं थी। ये तुलना करें अपन, बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित हो गया। अब आपने तो पता नहीं कहाँ की बात लेके बैठ गया। दूसरा ले लो ना, महाभारत में पांचाली एक श्रेष्ठ महिलाओं में प्रथम श्रेणी की जो महिलाएं होती उनमें से वो एक थी। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा मैं। जब वो स्नान करती थी ना नीलों, उसके जिस वो हौज में नहाती थी, गुलाब के गंध की उस हौज से हवा जाती थी तो गुलाब की गंध की सुगंध आती थी दूर तक। ऐसी श्रेष्ठ महिला थी, उसको भी अपमान हुआ और लड़ाई हुई उस महिला के पीछे। उसका जो अपमान हुआ, मरे कौन? आदमी मरे, आदमी। महिला कोई नहीं मरी, ना महिला जा मरी, ना महिला है मां मरी। और मालवीय सदगुण थी उसके अंदर, उसने इतना विकास किया था कि लाखों लोग मारे गए और उसका ये परिणाम हुआ कि धर्म की स्थापना हुई। हम अपने मित्र बना लेते हैं, बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, और बॉयफ्रेंड बनाने के बाद श्रावण तो आया नहीं है और हमने उनको राखी बांध लो। तो ये मानवीय सद्गुण है क्या? ये मानवीय बहुत बड़ा दुर्गुण है। हमने तो राखी बांध दी उसको विश्वास में, या हमारे कुछ कोई भी बात होगी, मेरे को ज्यादा उसको उजागर नहीं करना, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझ में आना चाहिए। हमने उसको बॉयफ्रेंड बना लिया, श्रावण आया नहीं, हमने उसके पहले राखी बांध ली और धीरे धीरे बात और आगे बढ़ी, हम उसके पीछे चले गए और वो हमको किसी कोठे पर बेच आया। ये मानवीय सद्गुण नहीं है, मानवीय बहुत बड़ा दुर्गुण है। तो मैं आपसे ये दुर्घटनाक्रम बताए हैं, मैंने आपसे आपको दुर्घटनाक्रम बताए हैं कि महिला एक, झगड़ा होता है मरे आदमी, महिला दूसरी, झगड़ा होता है मरे आदमी। महिलाएं नहीं, महिलाएं कोई नहीं, महिला तो सुरक्षित रही। फिर कोई बात कह रहा हूँ, बाजार में नहीं मिलते ऐसे सद्गुण। जीजा माँ ने अपने बेटे शिवाजी को रामायण और महाभारत की कथाएं शाम के समय दीपक में बैठ के सुनाया करती थी कि बेटा तुम ऐसा बनने की कोशिश करना। तो शिवाजी कहते थे आई साहब मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा ऐसा बनूं। अपन ऐसा बता सकते हैं कि अपने भाई बहनों को? उनकी चर्चा करना ही चाहिए, उन सद्गुणधारियों की चर्चा करना चाहिए जिनकी एक एक गुणों के धारण करने से वे पूजनीय हो गए। हमारी भी लोग पूजा करें तो हम अपने आप में ऐसा कुछ विकास कर सकते हैं क्या? तो ऐसा अगर विकास कर सकते, उसी क्रम में ये राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर चलते हैं। एक दो दिन, 7 दिन का शिविर क्यों किया? अगर कोई डाई होती, डाई का मतलब समझ गए ना, सांचा। आप सब को एक एक करके 15-20 मिनट में वो सांचे में बिठा के और कह देते चलो हो गए सदगुण संपन्न, निकाल दिया।
तो 60 दिन की जरूरत क्यों पड़ती? सब काम एक ही एक एक 15 सबके साथ एक एक मिनट बार में 15-15 20-20 मिनट में हो जाते हो, सब एकदम।